देखिए फ्रेंड्स, संक्रांत पर वैसे तो बहुत से नियम लिए जाते हैं, लेकिन चौक पूरना भी एक चुंदड़ी चौक पूरना भी बहुत अच्छा नियम है। इससे भी घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। तो चौक पूरने का नियम कैसे लेते हैं और कैसे पूरते हैं और उसका उदापन, यह सब विधि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको जहाँ पे चौक पूजना है वहाँ पर पूरा अच्छे से साफ कर लीजिए उस जगह को, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी साफ जगह पर ही आती हैं। यह चौक आप कहीं पर भी पूर सकते हैं, अपने मंदिर में, घर के मेन गेट पर, देहली पर, या अगर आपको जो भी अगर रंगोली आती है वह रंगोली बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन ऐसा बनाना है ताकि जिसके कहीं पे पाँव ना आए, कोई वहाँ से ना जाए, किसी के पैरों के नीचे या आपका चौक पूरा नहीं आना चाहिए। और मित्रों, कई क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हम कैसे चौक पूरें, तो आपको जो भी सिंपल डिज़ाइन आता है वो सिंपल से सिंपल डिज़ाइन ही आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे तो आप छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिए, या षटकोण बना लीजिए, माता के चरण बना लीजिए, कुछ भी आप आसानी से जो आपसे बन पाए वो बनाना है। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हम चौक पूरे अगर बाहर जाना पड़े, कई बार कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम चौक नहीं पूर पाए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपसे जितने दिन भी चौक पूजन छूट गया है उतने ही दिन आप हर रोज दो चौक पूर दीजिए, दो जगह पर बना दीजिए, तो आपके जितने भी दिन छूट जाते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपको ये 365 पूजने होते हैं। इसको बनाकर आप 1-2 घंटे तक रखा रहने दीजिए, ये नहीं है कि आपको साथ साथ उठाना है, और पूरे 365 ही चौक आपको पूरने हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, पूरी बरकत प्राप्त करने के लिए। गिनती में आपके 365 होने चाहिए। जितने भी दिन आपके छूट जाते हैं वो आप उससे अगले दिन दो पूर लीजिए, उससे अगले दिन फिर दो पूर लीजिए, इस तरह से आप 365 की गिनती को अपनी पूरा कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ये चौक पूरने हैं सिंपल वे से। कुछ नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, सिर्फ चौक पूरना है। और नहा धोकर बिना मुंह जूठा किए, बिना कुछ खाए पिए आपको ये करना है। इससे एक तो बरकत होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, आपके पति की किस्मत चमकती है, घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, और बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छे से जाती है। तो ये चौक पूरना बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिंपल सा चौक बनाया है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, देखिए। तो इस तरह से आपको ये 365 के 65 दिन चौक पूजना है, और इसमें कुछ नहीं करना, सुबह के समय नहा धोकर बिना खाए पिए आपको बनाना है। 1-2 घंटा ऐसे ही रहने दीजिए, और कोने में बनाइए ताकि किसी के भी पाँव ना आए वहाँ पे, कोई आए जाए ना। चाहे आप अपने मंदिर में बना दीजिए, लॉबी में बना दीजिए, मेन गेट की चौखट के कोने में बना दीजिए, लेकिन आपको ये चौक जरूर बनाना है। अगर बाई चांस आप मायके जा रहे हैं, 10-15 दिन आप नहीं बना पाते, तो आप ये वाला चौक अपने मायके में भी बना सकते हैं, क्योंकि मायका भी लड़कियों का अपना ही घर होता है, तो मायके में भी जाके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका उदापन भी मैं आपको बता रही हूँ, तो उदापन भी बहुत सरल विधि से आप कर सकते हैं। हर रोज इस आटे का क्या करना है, तो आप इसको समेट लीजिए किसी कागज में, किसी कपड़े के साथ, और उसको आप चींटियों को डाल दीजिए, उसमें थोड़ी चीनी मिला लीजिए, उसमें कुछ मीठा, कुछ भी खांड वगैरह मिला के, जिससे कि जानवरों का भी पेट भर जाएगा, किसी के पेट में पड़ेगा और ये किसी के पाँव में नहीं आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसका उदापन सरल विधि से आप घर पर कैसे कर सकते हैं। प्लेट ले लीजिए और इसके चौक के ऊपर बीचों बीच आपने रखनी है, इसके ऊपर हमने रखनी है चुंदड़ी। ये देखिए जयपुरी कलर में आती है, जयपुरी स्टाइल में, यही वाली हमें साड़ी या चुनरी लेनी है जो आपको अपने ननद को या अपनी सास को देनी है। ध्यान रखना है इसका कलर लाल, हरा, पीला हो सकता है, लेकिन काला और नीला रंग हमें नहीं लेना। इस जयपुरी प्रिंट में, चुनरी टाइप में ही आपको लेनी है। इसके बाद आप 5 कपड़ों का जोड़ा ले लीजिए ससुर जी के नाम का। ये देखिए इस तरह से आप ससुर जी के नाम का 5 कपड़ों का, 4 कपड़ों का,
इसमें बनियान, रुमाल, जुराब रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए। उसके बाद मेकअप का पूरा सामान लेना है आप, इसकी क्वांटिटी 5, 7, 9, 11 कितनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 11 चीज़ें ली हैं इसमें, तो आपकी श्रद्धा है वो आप जितना भी देना चाहें। तो इस तरह से आपको ये मेकअप की बिंदी का पत्ता, नेल पेंट, मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ जरूर लेनी है आपको, और कोई लिपस्टिक, क्रीम वगैरह जो भी आपके वहाँ पर पसंद करते हैं वो ले लीजिए। इसके साथ तिल की सामान तो जरूर ही लेना होता है, तो आप तिल से बने लड्डू ले लीजिए, गज्जक ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए। यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू और गज्जक ली है जो पसंद की जाती है। तो इस तरह से हम चौक पूरने का हम उद्यापन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेन इसमें चुंदड़ी का महत्व है, मेन चुंदड़ी होनी चाहिए, चुंदड़ी के बिना उद्यापन अधूरा ही रहता है, तो चुंदड़ी इसमें जरूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों सकरात से 365 दिन तक ये चौक पूरन का नियम लिया जाता है, जो अगली सकरात तक पूरा एक साल तक चौक पूरा जाता है। उसके बाद ये उद्यापन करके ये सारा सामान आप अपनी बड़ी किसी भी को भी दे सकते हो, जेठानी को, ननद को, सास को। इसके बहुत ही शुभ फल होते हैं, बरकत आती है घर में, लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए ये किया जाता है घर में बरकत के लिए। अगर आपको चौक पूरन की यह जानकारी, चुंदड़ी चौक पूरन की जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मकर संक्रांति से संबंधित सभी वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उद्यापन विधि और मकर संक्रांति पर हम क्या क्या नियम ले सकते हैं, यह सब जानकारी आप हमारे चैनल पर जाकर ले सकते हैं। अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।